नीचे कीचड़ और स्नो मिक्स है। सही भाई साहब, अल्टीमेट स्नो है यार। ओहो हो, हाँ कोई नहीं, चल उठा आराम से, यही रोक ले, ब्रेक बंद मारियो यार। फाइनली चहल भी हो गया सक्सेसफुल। सोहन जी गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज है संडे और हम निकल चुके हैं अपनी स्पेशल ब्रेक पर, फ्लाइट पे जाना था पर हम हो चुके हैं लेट। गुड यार फीचरिंग रजत आनंद, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, साइंटिस्ट बन गया। तो दिस इज़ माय ट्रम्प ट्राइड एंड आज ट्राइडर से है। मुझे जावली से इवन धर्मपुर पर भी आया, उससे पहले जावली वड़ता स्टेशन, वहीं से पहाड़ियों में स्नो दिख रही है, कमाल है यार। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ चंडीगढ़, वन आर ड्राइव और राइड एंड यू आर नियर टू द स्नो। सो गाइज अभी हमने जस्ट धर्मपुर क्रॉस किया है, कसौली में तो कुछ ज़्यादा स्नो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, बट दक्षई की पहाड़ियाँ सामने थी एकदम और वहाँ पे पड़ा रखा है स्नो। और यहाँ क्या हो रखा है, यहाँ भी कुछ कांड हो रखा है। ओह बस अभी खड़े लग रहे थे, वो है सामने कसौली की पहाड़ी है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्नो दिख रहा है क्योंकि धूप आ चुकी है तो निकल चुके हैं, बट सामने दक्षई में दिख रहा है और ब्रोग में भी दिखेगा फॉर श्योर। तो देखते हैं सोलन से, और सोलन के सबसे पास जो हाइट में जो पीक है दैट इज़ मतलब सोलन को छोड़ के वो है ब्रोग हाइट, और दक्षई की भी हाइट अच्छी खासी है। तो अभी हम सोच रहे हैं पहले आपको दक्षई के आसपास से स्नो दिखाएं और ब्रोग से होते हुए सोलन क्रॉस करके चहल को जाते हैं, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। मेरे साथ आज रजत भाई, इनका चैनल भी है यूट्यूब रजत आनंद नाम से, और ये काफ़ी टेक्नीशियन टाइप बंदे हैं, हम इन्हें साइंटिस्ट कहते आ रहे हैं। मेरे साथ स्कूलिंग की है इन्होंने, सीए की पढ़ाई हमने इकट्ठे किया, बट समहाउ ही इज़ मोर इनटू टेक्निकल लाइन, इनका वैसा दिमाग काफ़ी चलता है। तो इनका चैनल आप देख सकते हो, 15-20,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, और अच्छा काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और काफ़ी नॉलेज उसमें देते हैं ये टेक के लिए, गाड़ियाँ वाड़ियों की काफ़ी कुछ। गाइस दक्षई की पहाड़ियाँ ये जो मेन और सब जगह सन रजत भाई भी कह रहे बर्फ ले लो। सो हमें और बर्फ चाहिए, इतने से हमारा पेट नहीं भरेगा ना, आप लोगों का पेट भरने वाला है इतनी थोड़ी बर्फ से। तो अभी ले चलते हैं रजत को ब्रोग की तरफ। सो मैं कह रहा था ब्रोग मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, बिकॉज चंडीगढ़ के पास ना मतलब कसौली काफ़ी भीड़ भाड़ है, छोटी सड़कें हैं, इसकी सड़कें वगैरह अच्छी है और काफ़ी हाइट में है ये, और हर वक्त ठंडा रहता है माहौल। सो शॉर्ट राइड के लिए बहुत अच्छी जगह लगती है मुझे, प्लस यहाँ पे है चाचू जी का ढाबा। गाइस यहाँ से एक सीन दिखा था बढ़िया दक्षई की पहाड़ियों का, तो मैं थोड़ा आगे निकल गया, बाइक खींच रहा था, पीछे गाड़ियाँ चल रही थी, तो अभी मुड़ के जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ जूम करके यहाँ से ब्यूटीफुल दक्षई। पहले बाइक्स के दर्शन कराया था यार, ये दिस इज़ माय ट्रम्प ट्राइडेंट एज यू स्पीक, और ये हमारी फ्लैगशिप बजाज पल्सर 220, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। सो करो भाई जूम, है ना जूम करके ज़बरदस्त फोटो दिखाओ भाइयों को। सो जी ये है ब्रोग का मेन मार्केट, सामने चाचू का ढाबा, और स्नो जो है यहाँ पे पिघल चुकी है, साइड में ये रही थोड़ी बहुत ही देख के उस पर ना रोकी हो तो ये कुछ स्नो है मिट्टी दीदी मैं भाग रहा हूँ कहीं सामने बहुत ज़बरदस्त स्नो दिख रही है। और अभी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था शिमला से, कुफरी रास्ता बंद है, मशोबरा रास्ता बंद है सामने भाई, शिमला से कुफरी रोड बंद पड़ी हुई है, शिमला से कुफरी रोड बंद। हाँ अच्छा? मशोबरा बंद है, फ़ोन है बाइक तो वैसे नहीं चलेगी भाई, गाड़ियाँ नहीं जा रहे दे रहे लेट्स सी। सर जी आया मज़ा, सही है ना, थोड़ा ध्यान से चलाइयो
स्लो, ब्रेक मत मारियो, ब्रेक चलता रहे चलता रहे, डोंट स्टॉप, फिसल जाती है ब्रेक। शीशा सा बना होता लेफ्ट में। लगा ले लगा ले, आराम से यही रोक ले, ब्रेक बंद मारी हो यार, शिट रजत। शिट यार रजत, तेरे को मना कर रहा हूँ, तेरे को मैं अब समझ आया, तो मना तो कर रहा हूँ, पीछे से नहीं मारनी ब्रेक, इधर इधर बना दे, इधर आराम से। भाई साहब आपके पीछे बस चल रही थी, भाई साहब आपके पीछे बस चल रही थी, इतनी बड़ी इतना बड़ा इवेंट नहीं चाहिए समन्ने को। उस बस वाले को मैंने हाथ देके उसको बोला स्लो जा, स्लो साइड करवाया उसको थोड़ा। जी एडवेंचर के साथ ना मेरी सैपनिंग नाव बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यही फर्क है एक एक्सपीरियंस राइडर में। क्योंकि ये जो साइड में शीशा बन जाता है ना, ये देख ये वाला स्नो, ये खतरनाक होता है, तो इस पर ब्रेक वगैरह लगाना, इवन चलना भी बहुत मुश्किल है, गाड़ियों के लिए मुश्किल है, तो फिर टू व्हीलर, और उस पर आप जाके ब्रेक मारोगे तो डेफिनेटली फिसलोगे। इस ब्लॉग में तो हमने अच्छी ऐसी फोटोग्राफी एंजॉय की, और स्पेशली रजत भाई की फर्स्ट स्नो राइड है, और आई थिंक इतनी बड़ी राइड उन्होंने पहले कभी की भी नहीं है, सो ही इज़ वेरी हैप्पी। मेरा तो थोड़ा कॉमन होता जा रहा है ये चीज़ बार 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 बार। सो अभी हम जा रहे हैं शिमला, बट शिमला का ये सिस्टम आ रखा है, वहाँ से मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था कि वहाँ पे कुफरी और मोशावरा की सड़क जो है बंद पड़ी है, ऑल दो हमने जाना था चहल, वैसे हम चहल का प्लान कर कर ही निकले थे, बट चहल से हमें जाना कुफरी, देन अगेन बैक टू शिमला, बिटवीन मेरा घर है। बट इशू अब ये आ रहा है कि जब शिमला से कुफरी बंद है रास्ता, तो चहल से कुफरी भी बंद मिलेगा, सो बेटर ये है कि हम जाए शिमला से, कुछ ना कुछ वहाँ पे जुगाड़ लगा के हम अपने घर तक तो एटलीस्ट पहुँच जाए आज, तो इसलिए शिमला दोबारा जाना पड़ रहा है, चहल का कैंसिल करना पड़ रहा है। मैं चाहता तो नहीं था शिमला जाने का, मेरा कोई अभी मन नहीं था, कोई चहल की ब्यूटी दिखाने का ज़्यादा था, स्टिल एक बार देखते हैं, कंडा घाट रास्ते में जगह आएगी, वहाँ से डाइवर्जन है एक शिमला के लिए और एक चहल के लिए, सो देखते हैं वहाँ से, तब तक आप इस वादियों को एंजॉय कीजिए। और फील तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है सीरियसली मैन, ये सनी डे आई थी, ठंड भी नहीं लग रही, और क्रूजिंग करते आ रहे हैं, बीच में कॉर्नरिंग भी की थी कुछ, उसके अलावा चिल एकदम मज़ा आ रहा है। सो जी देख लो स्नो, ये अभी हम शोगी भी नहीं पहुंचे और शोगी से पहले ही लोग स्नो भी एंजॉय कर रहे हैं, वाह मिट्टी और स्नो का। सो आगे रुकते हैं यार, यहाँ तो मिट्टी वाली स्नो है, बट वैसे देखो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ रखी है कि शोगी से पहले भी स्नो आपको दिख रही है, और काफ़ी डाउन एरिया वैसे तो ये कंपैरेटिवली कुफरी से। तो जी शिमला आ गए हैं दोबारा, वापस चले थे चहल की तरफ, बट ठीक है यार, कोशिश करेंगे कि शिमला कुफरी कुफरी से चहल जाए और सर्किट राइड बनाए, सेम रूट से वापस नहीं आना चाहते यार। इंस्टा 360 से भी रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट, तो देखते हैं माउंट कितना कामयाब है, ये एंगल मैंने पहले यूज़ नहीं किया, बट लग सही रहा है, इट शुड वर्क।
गाइज ये देखिए गाड़ियाँ पूरी ढक रखी है बर्फ से, तो एक फोटो तो बनता है इनका। चलो जी बड़े आगे, नीचे कीचड़ और स्नो मिक्स है। क्या बात है जी, ये हो रहा है स्नो एडवेंचर बढ़िया वाला। ओहो सो भी मैं इनको लीड कर रहा हूँ, तो सो दैट बस मुझे फॉलो करे तो ठीक रहेगा। मुझे थोड़ा स्नो में काफ़ी चला चुका हूँ यार, थोड़ा आइडिया तो है ही। बच्चे ठीक रहे बस दुनिया के यार। ये देखो फिसलन, अरे वाह। क्या बात है क्या बात है, अरे क्या बात है, वीडियो निकाल रहे भैया। मैम के हस्बैंड जो है उनकी लेग जो फ्रैक्चर हो चुकी है और आर्मी हॉस्पिटल में है, एंड शी हैड टू गो। कि मैम को पहले हॉस्पिटल ड्रॉप करेंगे यार हस्बैंड के साथ, उनको हस्बैंड यार फ्रैक्चर हो गया। सोचो स्नो इतनी ख़तरनाक भी होती है। सो एडवेंचर बिकम्स द रेस्क्यू मिशन। सो गाइज अभी इनको ड्रॉप करके ना उसके बाद आपका व्लॉग का कंटिन्यू करेंगे। आई डो नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज समवन्स पर्सनल लाइफ, तो अभी तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं व्लॉग को।